हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है गीता माहेश्वरी क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स डॉक्टर आर एस अग्रवाल विकास अग्रवाल, इसका चैप्टर फोर है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। चैप्टर फोर है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स, तो इसकी एक्सरसाइज 6 और 7 इसमें कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। देखो एक्सरसाइज सिक्स में सारे जितने भी ये आपके 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 नहीं है तो और भी है, इसमें आपके हैं 13 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो सारे क्वेश्चन है ना, ये आपके एडिशन बेस है, सब में आपको एड ही करना है। ठीक है, तो एडिशन फिफ्थ क्लास का बच्चा जानता है कैसे होता है, तो उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एडिशन जैसे करते हैं वैसे करना ही। अब आप जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ तो आपके 10 तक पूरे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे 8 और 3 11 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8 और आपके 1 9, आपके 2 और 6 8, ओके, 5 और 7 12 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9 11 कैरी 1, आपके हो जाएगा 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये आपका आंसर है। ओके, समझ में आ गया, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, आपका 8, आपका 12 12 का 2 कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, ये 6 और 5 11 का 1 कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 आपने कैरी ऐड कर दी 6। ऐसे आपको ये सारे 1 से लेकर 10 तक जो है ना वो करने हैं। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो 11 भी ऐसा ही है, 11 से 13 में भी आपको सिर्फ अरेंज करना है और ऐड करना है। ठीक है, अरेंज करने का सबसे बेटर जो फॉर्मूला है वो आप प्लेस वैल्यू चार्ट बना लो तो कहीं भी आपको मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, जैसे ये देखो, ये वंस प्ले 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया इनको। अब देखो ये जो सेकंड है ये आपका वंस 10 100 1000 10000 लाख 10 लाख, तो सेकंड वाला जो नंबर है ना वो 10 लाख से स्टार्ट होगा, यानी करोड़ पे आप ब्लैंक छोड़ोगे या फिर आप ज़ीरो पुट कर सकते हो। ओके, तो इसको ऐसे आपको अरेंज करना है, ये 10 लाख पे ये वाला नंबर आ रहा है, 10000 पे ये, 1000 पे ये, 100 पे 6 आ रहा है, 10s पे 8 आ रहा है और 1s पे 4 आ रहा है। ओके, अब इसमें ओनली 5 डिजिट नंबर है, तो ये आपके 10000 1000 100 10s और 1s है, तो सिर्फ 10000 के नीचे लिखा है, ये 1000 है। ठीक है, ये 1000, ये आपके 100, ये 10s और 1s। ओके, और आपको यहाँ पे या तो ज़ीरो लगा दो अगर प्रॉब्लम है, तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसको बस ऐड कर दो, 8 और 4 आपका क्या होता है 12 12 और 9 21 21 का 1 कैरी 2, 7 और 8 आपका 15 15 और 7 आपका हो गया 22 और 2 24 का 4 कैरी 2। ठीक है, 6 और 6 12 12 और 9 हो गया 21 और 2 23 का 3 कैरी 2, आपका हो गया ये। ठीक है, ये हो गया। अब आपका 6 और 5 11 11 और 3 आपका कितना होता है 14 14 और 2 16 16 का 6 कैरी 1, 5 और 7 12 12 और 2 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, 9 और 2 11 और 1 12 का 2 कैरी 1, ये आपका 6 और 3 9 और 1 आपका 10 10 की 0 कैरी 1, आपका 1 और 1 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 करोड़ 2 लाख 56,341, ऐसे ही आपको ये 12 और 13 करना है। ठीक है, अब आ जाओ आप एक्सरसाइज 7 पे। देखो एक्सरसाइज 7 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, एडिशन बेस्ड ही है सारी वर्ड प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो फर्स्ट में क्या करना है, ए नंबर ऑफ पर्सन हु विजिटेड द होली श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी। होली श्राइन मतलब होता है धार्मिक मंदिर। ठीक है, माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वहाँ पे जा रहे हैं, ड्यूरिंग लास्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, बस आपके ये देखो इतना और इतना पीपल वहाँ पे जा रहे हैं 2 साल से। ठीक है, ये आपका है 63,78,907 और ये आपका हो जाएगा 78,65,089। ठीक है, इतने पीपल जा रहे हैं 2 साल से। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी पीपल विजिट द श्राइन ड्यूरिंग दीज 2 ईयर्स, मतलब कितने जा रहे हैं, तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 2,
लास्ट ईयर द शुगर फैक्ट्री इन ए टाउन प्रोड्यूस आपका इतना बैग्स एंड इतना बैग्स, ठीक है। तो थ्री आपके शुगर फैक्ट्रीज जो है ना, उन्होंने इतने इतने बैग्स बनाए, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हाउ मैनी बैग्स इन ऑल वर प्रोड्यूस बाय द ऑल थ्री फैक्ट्रीज ड्यूरिंग लास्ट ईयर, मतलब टोटल कितने बैग्स इन तीनों फैक्ट्रीज द्वारा प्रोड्यूस हुए हैं। तो आप इन तीनों का क्या करोगे, मतलब आप इसका, ठीक है, और इस नंबर को, यानी तीनों को आप क्या कर दोगे, ऐड। बस आप अरेंज प्रॉपर करना, प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेना और उसमें अरेंज प्रॉपर करना है। 2,38,7,575 है, इसमें आपका है 1,97,28,686 है और इसमें आपका है 89,62,347। तो इन जब तीनों का आप अरेंज करोगे और ऐड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन ए सिटी देयर वर इतना मैन है, इतना वुमेन है, इतना आपके चाइल्ड है, ठीक है। व्हाट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, टोटल कितनी पॉपुलेशन है, तो आपको इसको, इसको और इसको आपको मैन का, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको तीनों ऐड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, इन ए पर्टिकुलर ईयर द मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी वॉज इतना, मोर देन द फीमेल पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब जो मैन है ना उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है फीमेल के कंपैरिजन में, ओके। अब वो पूछ रहा है द नंबर ऑफ फीमेल वाज, इफ द नंबर ऑफ ये फीमेल का इतना है तो व्हाट इज़ द मेल पॉपुलेशन, अब वो पूछ रहा है मेल का कितना है, तो आपको ये जो है ना फीमेल, ठीक है, इसकी और इसकी आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड कर देंगे तो मेल की आ जाएगी, क्योंकि मेल की इतनी ज़्यादा है फीमेल की पॉपुलेशन से, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा। देखो दोनों को ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा आपके 91,67,999 आएगा। अब वो पूछ रहा है व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द ईयर, तो टोटल पॉपुलेशन में ये तो आ गई आपके पास मैन की, ये आपके पास है वुमेन की, ठीक है, हाँ ये वाली आपके पास है वुमेन की, ओके, ये वाली आपके पास मैन की है और ये वाली आपके पास है फीमेल्स या वुमेन की, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को जब आप टोटल कर दोगे, इसको और इसको, इस नंबर को नहीं, इसको और इसको, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फाइव पे, द सेल रिसिप्ट ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2011 वाज इतना था, 11 में उसकी इतनी सेल थी, ठीक है, 11 में देखो कितनी सेल थी आपके 1,30,47,546, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इट इंक्रीज बाय इतना, दूसरे साल वो इतनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई आपके 79,73,674, इतनी बढ़ गई वो। व्हाट वाज द सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी इन द ईयर 2012, अब 2012 में कितनी हो गई, तो जो ये नंबर है ना ये, इसको आप इससे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, जब आप ऐड करोगे ना देखो तो इसका आंसर आपके पास ये आएगा 2,01,21,220, ठीक है, ये आपका आंसर होगा, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या पूछा है, व्हाट वाज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग दीज टू इयर्स, अब आपको टोटल बताना है, ठीक है, जो सेल्स कितनी हो रही है, सेल्स रिसिप्ट ऑफ कंपनी ड्यूरिंग दीज टू इयर्स, दो साल में कितनी बढ़ रही है वो बताना है आपको, टोटल सेल। सेम जो आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। अब आपने 2000 देखो 12 की अपने पास ये निकल गई, ये 2012 की सेल आ गई, 2000 आपके पास 11 की ये वाली सेल थी, तो अब इसको और इसको जब अपन ने ऐड कर दिया तो ये इसका आंसर आ जाएगा, टोटल दोनों ईयर की जो सेल है ना वो आ जाएगी 3,40,00,000 आपके 68,766 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। जब आप दोनों को यानी 2011 और 2012 का जो आया है आपके पास, 11 का तो दिया हुआ है, 12 का अपन ने निकाल लिया सेल का, दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन अ पर्टिकुलर ईयर एन इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस इतने बाईसाइकिल,
ठीक है, इतनी उसने बाईसाइकिल प्रोड्यूस की है। कितनी करी है बाईसाइकिल, ये आपके पास आ गया 67,36,265। ठीक है, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस बाद इतना, अब नेक्स्ट ईयर आपके पास इतनी हो गई 13,74,589, मोर देन दोज प्रोड्यूस इन द प्रीसीडिंग ईयर, यानी पहले वाले साल से इतनी ज़्यादा करी है उसने। ठीक है, हाउ मैनी बाईसाइकल्स आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दीज टू ईयर, वही सेम क्वेश्चन है, आपने पहले ईयर का इतना है, नेक्स्ट ईयर द नंबर ऑफ बाईसाइकिल प्रोड्यूस वाज इतना मोर देन दोज प्रोड्यूसिंग इन द प्रीसीडिंग ईयर, मतलब पहले जो करा है ना उससे आपके इतना ज़्यादा है नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर के निकालने के लिए इन दोनों को क्या कर दोगे टोटल, अब जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का, और आपके ये वन ईयर का दे रखा है। ठीक है, तो जब दोनों का टोटल करोगे तो दोनों ईयर का निकल जाएगा, सेम जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वैसे ही आपका सिक्स्थ है। ठीक है, इतना मोर देन दिस प्रोड्यूसिंग, हाउ मैनी बाईसाइकिल प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टू ईयर, तो दो पहले आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा, फिर आपके पास ये फर्स्ट ईयर का दे रखा है, जो आंसर आया है उसको इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। अब आपने क्वेश्चन नंबर सेवन देखो, देयर वर थ्री कैंडिडेट इन इलेक्शन, दे रिसीव्ड इतना वोट्स एंड इतना वोट्स। ठीक है, आपके पास कितना है, ये आपके आ जाएगा 6,78,509। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट ने आपके पास करा है 4,62,397 और तीसरा जो कैंडिडेट है उसके 97,685 वोट उसको मिले। ठीक है, अब द नंबर ऑफ इनवैलिड यानी जो ख़राब हो गए, ठीक है, तो वो वोट आपके पास इतना है, आपके पास 16,489 है और इतने पर्सन तो वोट ही नहीं दिया इन्होंने, 45,716 ने वोट नहीं दिया। हाउ मैनी वोट्स वर रजिस्टर्ड, तो रजिस्टर्ड तो देखो सारे हुए हैं, है ना, अब वो ख़राब हो गए नहीं गए वो बात अलग है, रजिस्टर्ड तो टोटल ही हुआ है ना, तो आप जब इन पांचों का टोटल करोगे ना अरेंज करके तो आपका देखो ये आंसर, ये मैंने पाँचों नंबर जो है वो अरेंज कर लिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5 आप इसका टोटल करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, आपके 13,796 वोट है टोटल। ठीक है, ये आपके पास जाएगा 13,796 इसका आंसर आएगा। ओके, अच्छा अब आपके पास देखो, हाँ अब ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर एट में देखो क्या है, ए सर्वे कंडक्ट ऑन द इंडियन स्टेट शो वाज इतना पीपल हैव ओनली प्राइमरी एजुकेशन, ये प्राइमरी यानी जो फर्स्ट टू फिफ्थ तक पढ़े हुए हैं। ठीक है, इतने पीपल वाज सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब जो ट्वेल्थ तक पढ़े हुए हैं, इतने पीपल हैव हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए इतने पीपल पढ़े हुए हैं, एंड इतने पीपल वाज इलिटरेट यानी जो पढ़े हुए नहीं हैं बिल्कुल, इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ स्कूल एडमिशन वाज इतना है, फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, तो पॉपुलेशन में सारों को आप अरेंज करो ऐड कर दो आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको क्या करना है, ए नंबर एक्सीड यानी बढ़ाने पर कितना नंबर बढ़ा है इससे, तो व्हाट इज़ द नंबर, कौन सा नंबर होगा, जब आप इन दोनों को क्या कर दोगे टोटल तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, अब आपकी ये वाली एक्सरसाइज, इस वीडियो में ये एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 7 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।